आज जो मैं रेसिपी आपसे शेयर करने जा रही हूँ वो है मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई जो है बहुत ही सिंपल मसालों से और बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। आप इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत ही मज़ा आएगा। इसके लिए मैंने लिया है 1 kg मटन, 3 inch की जिंजर ली है, उसको मैंने क्रश कर लिया है। ये 1 inch की मैंने जिंजर ली, इसे झूलन कट कर लिया है। और ये मैंने 1 medium साइज अनियन लिया है, इसमें 1 ही अनियन जाएगा। और ये 4 मैंने मीडियम साइज की ली ग्रीन चिली मैंने इस साइज की ली थी और इसे मैंने ब्रिक कट कर लिया है। और इस पर मैंने टमाटोज लिए थे, टमाटर उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। मसालों में इसमें जाएगा 3/4 quarter मैंने नमक लिया है, सॉल्ट 3/4 quarter ही मैंने रेड चिली सूट मिर्च ली है और 1/4 quarter ही मैंने इसमें गरम मसाला लिया है। आप नमक मिर्च अपने हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं। चलिए आइए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। हाफ कप ऑयल ले लिया है, अब इसमें मैं अनियन ऐड करूंगी, इसको मिक्स करेंगे। इसमें मैं साथ ही मटन ऐड कर दूंगी। जिंजर चली जाएगी, अदरक और मसाले ऐड कर दूंगी, इसे मिक्स करूंगी। इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूंगी, इसमें सिर्फ 1 glass पानी ऐड करेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पे ढक के 25 मिनट्स तक बनाएंगे और ये 25 मिनट्स तक पक जाएगा। और क्योंकि ये गोश्त जो है जल्दी गल जाता है तो इंशाल्लाह ये 25-30 मिनट्स मैक्सिमम लगेंगे तो ये हमारा गोश्त रेडी होगा। और इसमें 1 glass पानी हमने इसलिए ऐड करना है क्योंकि ये जो टमाटर है ये भी अपना पानी रिलीज करेंगे, तो हमें इसमें इतना पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि आपका गोश्त गलने में टाइम लेगा तो आप इसमें 2 glass ऐड कर सकते हैं। तो आप इसे मैं ढक के दरमियान में चेक करती रहूंगी 6-7 मिनट्स के बाद, तो आप भी इसे चेक करते रहिएगा। अब इसे अब मैं कवर करके रख दूंगी और दरमियान में चेक करती रहूंगी। 4 मिनट हो गए थे, ये देखिए कितना ज्यादा टमाटर ने पानी छोड़ दिया है, टमाटर ने पानी काफी रिलीज कर दिया है। अब हम इसे दोबारा से ढक देंगे और मीडियम फ्लेम पे हम इसे बनाएंगे, हाई टू मीडियम फ्लेम पे। इसे 10 मिनट बाद फिर चेक करेंगे और ये देखिए इसे स्टर करेंगे तो अभी इसमें पानी मौजूद है, अभी हमारा जो मटन है वो भी अच्छे से नहीं गला, तो हम इसे दोबारा कवर कर देंगे। हमने इसे रखे हुए 20 मिनट्स हो गए हैं, तो अभी इसे हो गई है, अब इसे अच्छे से हम भून लेंगे। देखें ऑयल ऊपर आ गया है और जो हमारा मटन है वो अच्छे से गल गया है, बहुत सॉफ्ट हो गया है। अब इसे हम एक डोई की मदद से अच्छे से भून लेंगे और हमें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे इसे भूनने में क्योंकि इसमें मसाला बहुत कम होता है और जो कटिंग मैंने की वो बहुत ही बड़ी थी तो ये बहुत जल्दी भून जाएगा। इसमें मैं अब ऐड करूंगी हरी मिर्चें, हम अदरक गार्निश करेंगे हरी मिर्चें और इसको मिक्स कर देंगे। इसे अब हम डिश आउट कर लेंगे। बिल्कुल रेडी है हमारा मज़ेदार मटन कढ़ाई। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ शेयर कीजिए।